नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोपाल जी शर्मा सीनियर फिजिशियन कैलाश हॉस्पिटल देहरादून में कार्यरत हूं और मैं आज आप लोगों को डेंगू बुखार के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी ये बुखार जो है एक एपिडेमिक के रूप में चल रहा है, महामारी के रूप में है और लोगों को हमारे अस्पताल में भी और सब जगह बहुत संख्या में मरीज आ रहे हैं और लोग आमतौर में बहुत इस बीमारी से परेशान हो जाते हैं। लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, लोग समझ नहीं पाते कि कब अस्पताल जाना है, कब एडमिट होना है, कब हमें फिजिशियन को दिखाना है, कब हमें घर में रह के भी इलाज कर सकते हैं। लोगों के मन में पैनिक बहुत है, डेंगू का मतलब कि बस अब जान खतरे में, ऐसा लोग सोचते हैं, जबकि ऐसा गलत बात है। इसके बारे में तभी मैं आज इस बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो डेंगू बुखार है इसको होता किस कारण से है। ये एक प्रकार का फ्लेवी वायरस है, एक तरह की वायरस है जो ये बीमारी को फैलाता है। और ये वायरस किस तरह से किसी इंसान के शरीर में जाता है ये जानना ज़रूरी है। तो ये एक मच्छर के कारण ये बीमारी फैलती है और मच्छर भी जो होता है इसका नाम है एडीज मच्छर होता है। और आप लोग ने बहुत सी मीडिया में, सोशल मीडिया में, न्यूज़ में भी सुनते हैं कि ये जो मच्छर है दिन के समय काटता है और दिन के समय ही पनपता है। तो ये मच्छर आम तौर पर साफ़ पानी में पनपता है, जैसे कि जो मलेरिया का जो मच्छर है वो गंदे पानी में पनपता है, ये साफ़ पानी में होता है। तो जो भी हमारे घर के आसपास पानी जहाँ जहाँ इकट्ठा होता है, जैसे हमारे गमलों में है, टायर में होगा या कूलर में होगा, जहाँ भी ये साफ़ पानी है ये दिन के समय इंसानों को काटता है और उससे बीमारी, डेंगू की बीमारी को फैलाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता हो गया कि ये कारण क्या है इस बीमारी का। फिर अब हमें अगली बात पता होनी चाहिए कि इसके लक्षण क्या है। तो लोगों को पता होना चाहिए कि ये चीज़ हो रही है तो हमें डाउट होना चाहिए। तो सबसे पहले बहुत तेज़ हाई ग्रेड फीवर जिसे बोलते हैं, 102, 103, 104 का बुखार रहता है, लगातार बना रहता है। और ये जो बुखार का समय है, बीमारी लगभग, ये जो बीमारी हमारी है 7 से 10 दिन का समय है इस बीमारी का। तो पहला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं फेब्राइल पार्ट, यानी बुखार वाला हिस्सा। तो पहले 4 से 5 दिन बुखार आएगा, बहुत तेज़ बुखार आएगा, इसके साथ में शरीर में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, आँखों के पीछे के हिस्से में दर्द होगा, बैक में दर्द होगा। इतना दर्द होता है कि इस बीमारी का दूसरा नाम ब्रेकिंग बोन फीवर करके भी रखा गया, कि हड्डियाँ टूटने जैसी हो जाती हैं, इतना दर्द होता है। इसके अलावा लक्षणों में उल्टियाँ लगना, भूख कम हो जाना, गैस्ट्राइटिस होती है बहुत तेज़, आदमी खाना पीना बंद कर देता, खा नहीं पाता है। तो ये तो पहला पार्ट है जो फेब्राइल पार्ट कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, 4 से 5 दिन जब बुखार ठीक होने लगता है, उसके बाद 4-5 दिन बाद बुखार धीरे धीरे ठीक होगा, अब आता है असली क्लाइमैक्स। मरीज समझता है कि मेरा तो बुखार ठीक हो गया, डेंगू ठीक होने जा रहा है मेरा, लेकिन असली जो चेंज आ रहा है वो ये अब आ रहा है। 4-5 दिन बाद क्या होता है, बुखार ठीक होने लगेगा और प्लेटलेट्स गिरने लगती हैं। और इस समय सबसे ज़्यादा खतरनाक जो पार्ट है ये यही है, 4th-5th दिन से लेकर के ये जो प्लेटलेट गिरने का समय है 3 से 4 दिन तक का रहता है आमतौर पर। और इस वक्त पेशेंट को बहुत सीवियर वीकनेस होती है, कमज़ोरी होने लगती है, उल्टियाँ आने लगती हैं, वो खाना पीना नहीं खा पाता और असली परेशानी का समय यही है। और इस 3 दिन के अंदर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं तो पेशेंट को एडमिट करा जाता है, उसका इलाज हॉस्पिटल में किया जाता है। और लास्ट फेज जो होता है रिकवरी, यानी ये प्लेटलेट्स जब ठीक होने लगती हैं उसके बाद पेशेंट अपने आप से रिकवर होने लगता है और 7 से 10 दिन के भीतर ठीक हो जाता है। तो इसमें जो लक्षण जिस तरह से बताए, ये इनका सबको ध्यान रखना है कि इस तरह का हो तो अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए। इसके बाद आती है बात कि इसमें डायग्नोसिस कैसे बनेगी। डायग्नोसिस में क्या है, डेंगू का एक टेस्ट है, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट कहलाता है, NS1 होता है। इसके साथ CBC कराया जाता है जिसमें कि प्लेटलेट काउंट्स की मॉनिटरिंग करी जाती है, साथ में और ऑर्गन्स फंक्शंस के बारे में भी चेक किया जाता है, किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन करके। डायग्नोसिस क्लिनिकल और लैब के बाद इसका इलाज किया जाता है। अब आया इसके बाद हमारा समझने की चीज़ है कि इलाज क्या है। देखिए, समझने की चीज़ ये कि हमारे 90% लोग डेंगू के घर पे ही इलाज किया जा सकता है, हर एक मरीज़ को एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। लोग पैनिक में आके एकदम एडमिट करने की सोचते हैं,
90% लोग घर में आप किसी भी चिकित्सक को दिखा के घर में इलाज ले सकते हैं। दूसरी बात समझने की क्या है, डेंगू बुखार का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है इसका, केवल इसमें मरीज को हम सपोर्ट देते हैं, जो भी उसके लक्षण हैं उनको ठीक करते हैं, प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो उसके लिए कुछ करा जाता है। तो हमारे जो ज़्यादातर मरीज़ हैं OPD से ठीक हो सकते हैं, उसमें कुछ नहीं करना है। बुखार के लिए पैरासीटामोल दी जाती है, और ध्यान ये रखना है कि कोई भी दर्द की दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए। बहुत से लोग एस्प्रिन या ब्रूफेन या कॉम्बीफ्लेम ऐसी बहुत सी दवाइयाँ यूज़ करते हैं, इन्हें नहीं देना चाहिए क्योंकि ये प्लेटलेट्स को कम करती हैं। तो मेन बुखार की दवा पैरासीटामोल, इसके साथ अगर बुखार आता है तो आप गीली पट्टी करिए, मल्टीविटामिन्स देना है, उल्टी की दवाइयाँ दे सकते हैं, और साथ में खाने पीने में ध्यान देना चाहिए कि हम फ्रेश फ्रूट्स, फ्रूट जूसेस, जो भी जिसमें तरल पदार्थ है, पानी ज़्यादा पिएं, उसमें ORS डाल के ले लें, ग्लूकोज ऐड करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ्लूड्स बॉडी में पहुंचना चाहिए जिससे डिहाइड्रेशन ना हो। अब आखिरी बात, इलाज के बाद आखिरी चीज़ है प्रिवेंशन, यानी ये बीमारी हो ही ना। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ तो है कि बीमारी होनी नहीं चाहिए, इलाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया है, मच्छर इस बीमारी को फैलाता है, तो हमें मच्छर का पनपने नहीं देना चाहिए। तो जहाँ भी हमारे घर के आसपास पानी हो खाली, जो इकट्ठा हो रखा है कहीं, उसको हमें इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। कूलर में से, गमलों में से, टायर में से और बर्तनों में से पानी को निकाल देना चाहिए, जिससे मच्छर ही पैदा ना हो। मच्छर नहीं होगा तो ये बीमारी भी नहीं होगी। दूसरा, मच्छर को आने से रोकने के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं, या ओडोमॉस या ऐसी चीज़ें जो होती हैं, या जो गुड नाइट और इस तरह की चीज़ें मार्केट में आ रही हैं। दूसरा, घरों में जालियाँ ठीक से लगाएं जिससे मच्छर अंदर ना पाएं। तो सबसे बड़ा प्रिवेंशन जो है मच्छर ही है, केवल हमें मच्छर से अपने को बचाना है, तो ये बीमारी आप मान के चलिए कि हम इससे बच सकते हैं। और मेरे को आशा है कि मेरे लोगों को डेंगू के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, और इससे आप लोग आगे के लिए अपने को उस बीमारी से बचाने के लिए सोच सकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।